फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रेसिपीज बाई संध्या डॉट कॉम में। आज हम बनाने जा रहे हैं साबुदाना चाप। एक बार देख लेते हैं कि हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी साबुदाना चाप बनाने के लिए। 150 ग्राम साबुदाना लेके इसको अच्छे से वॉश करके दो घंटे के लिए थोड़े से पानी में मैंने भिगो के रख दिए थे। तीन उबले हुए आलू लिए हैं, दो कटी हुई हरी मिर्च है, एक बड़ा चम्मच धनिया पत्ता है बारीक कटा हुआ, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून अदरक कटा हुआ है, सेंधा नमक लेंगे एक छोटा चम्मच, एक बड़ा चम्मच नींबू का जूस लिया है, आधा बाउल मैंने मूंगफली लिया है, भुना हुआ मूंगफली है, इसको भून के इसके छिलके उतार दिए मैंने। अब इसको हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। ऑयल यूज करेंगे चाप को फ्राई करने के लिए और ये स्टिक यूज करेंगे चाप बनाने के लिए। मूंगफली रख लेंगे इसमें और इसको हल्का दरदरा पीस लेंगे। एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे, आलू डाल लेंगे इसमें मैश करते हुए, साबुदाना डाल लेंगे, अदरक, धनिया पत्ता, नींबू का जूस, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च, मूंगफली, सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नवरात्रि पे आप मीठा खा के बोर हो चुके हैं तो एक बार इसको जरूर ट्राई करें। टेस्टी होने के साथ साथ मुंह का टेस्ट भी इससे चेंज हो जाएगा और पेट भी भरेगा और साबुदाना पौष्टिक भी होता है। ये सब चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। मिक्सर लेके हाथों से ऐसे पिट्ठी बनाएंगे। एक स्टिक लेंगे, हाफ स्टिक पे इसको अच्छे से कवर करना है हमें। ऐसे दबा दबा के अच्छे से चारों तरफ इसको प्रेस करके दबा दबा के स्टिक पे चिपकाएंगे। ऐसे करते हुए एक प्लेट में रखते जाएंगे इसको। ऐसे ही करते हुए सारे स्टिक में लगा लेंगे। मैं आधे इसमें स्टिक पे चाप बनाऊंगी, बाकी के पकौड़ों की तरह फ्राई कर सकते हैं हम। ये सारे मैंने स्टिक पे लगा के साबुदाना चाप तैयार कर लिया है। कुछ मैंने कटलेट के शेप में बना लिए हैं। अब इसको एक घंटे के लिए हमें फ्रिज में रखना है सेट होने के लिए। एक घंटा हो चुका है फ्रिज में रखे हुए। अब इसको फ्राई कर लेंगे। गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे गरम होने के लिए। कढ़ाई गरम हो चुका है, ऑयल डाल लेंगे। ऑयल को अच्छे से गरम होने देंगे। ऑयल अच्छे से गरम हो चुका है। एक एक करके चाप को डालेंगे फ्राई होने के लिए। एक साइड से अच्छे से इसको ब्राउन होने देंगे, फिर एक एक करके पलटेंगे इसको।
गैस को मीडियम पे कर लेंगे। इसमें साबुदाना डाला हुआ है तो तेज गैस पे ऊपर से तो वो बिल्कुल फ्राई हो जाएगा, अंदर से कच्चा ही रह जाएगा, इसलिए मीडियम पे फ्राई करेंगे इसको, ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए और ऊपर से क्रिस्पी हो जाए। एक साइड से हल्का सा फ्राई हो चुका है, एक एक करके इसको पलट देंगे। दूसरे साइड भी अच्छे से ब्राउन होने देंगे इसको। साइडों से मैंने कटलेट भी डाल दिए हैं, साथ में फ्राई हो जाएंगे। ये चाप है स्टिक वाला, ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है, एक एक करके इसको निकाल लेंगे। अच्छे से एक्स्ट्रा ऑयल इसका निकाल देंगे, ऐसे ऐसे झाँकते हुए। टिश्यू पेपर पे रख लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। हमारा साबुदाना चाप बनके बिल्कुल रेडी है। आप अपने पसंद के अनुसार व्रत वाले हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, आप इसे किसी भी व्रत में बना के खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। और आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।